बाहुबली 2 के इस बेहतरीन सीन में हुई थी सबसे बड़ी चूक। एक साल बाद जान लें क्या थी सच्चाई। आज ही एक दिन यानी 28 अप्रैल को देश की सबसे चर्चित फिल्म बाहुबली 2 रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनिया भर से करीब 1000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म ने रिलीज होते ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। रिलीज के एक साल पूरे होने पर आपको फिल्म के एक बेहतरीन सीन की सच्चाई बताते हैं। वैसे तो फिल्म का हर सीन लाजवाब था, जिसमें कोई खामी के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस फिल्म की जान कहे जाने वाले एक सीन में इतनी बड़ी चूक हुई थी जिसके बारे में जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये वही सीन था जब भरे दरबार में माहेश्वति के राजा भलाल देव के सामने जंजीरों में जकड़ी देवसेना की पेशी होती है। इस सीन में बाहुबली देवसेना से कहते हैं, औरत पर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं, काटते हैं उसका गला। अमरेंद्र बाहुबली देवसेना को ये बात बोलते हुए सेनापति का गला धड़ से अलग कर देते हैं, जिसके बाद सेनापति निढाल होकर गिर जाता है। उस सीन में जमीन पर कहीं भी खून गिरा हुआ नजर नहीं आता। यही सीन की सबसे बड़ी गलती थी। इस सीन को फिल्म के सबसे बेहतरीन सीन्स में एक माना जाता है। इसी सीन ने सिनेमा घरों में दर्शकों का दिल जीत लिया था और लोग खड़े होकर तालियां सीटियां बजाने को मजबूर हो गए थे। लेकिन इसी सीन में इतनी बड़ी चूक हो गई कि किसी का ध्यान ही नहीं गया। वैसे इस तरह की गलती सिर्फ बाहुबली 2 में ही नहीं है, इस फिल्म के पहले पार्ट में भी इसी तरह की गलतियां सामने आई थीं। ऐसा ही एक सीन था जिसमें देवसेना भलाल देव की चिता को जलाने के लिए लकड़ियां बीनकर एक गड्ढे में इकट्ठा करती रहती हैं। किसी को समझ नहीं आया था कि जहां देवसेना को जंजीरों में बांध कर रखा गया था वहां कोई पेड़ नहीं था, फिर इतनी लकड़ी टूट कर कहां से गिरी। लेकिन ये गलतियां फिल्म की भव्यता और उसकी सफलता के आगे कोई मायने नहीं रखती। रिलीज होते ही इस फिल्म ने रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए थे और ताबड़तोड़ कमाई की 1000 करोड़ की कमाई करने वाली बाहुबली 2 पहली भारतीय फिल्म बन गई है, तो वहीं विदेशी सरजमी पर भी इसका डंका बज रहा है। इस राजामौली की इस फिल्म में प्रभास, अनुष्का शेट्टी, सत्याराज, नसर, रमैया कृष्णन, राणा डगुत्ती जैसे स्टार्स हैं।